में धुलिया और मालेगांव लोकसभा में और विधानसभा में 3000 के ऊपर एंट्री ऐसी है जो मालेगांव विधानसभा में भी है और वही एंट्री धुले विधानसभा में है। ईपिक्स नंबर भी सरीका है, वोटर आईडी नंबर भी सरीका है, फोटो भी सरीकी है। तो चुनाव आयोग जब सारा डिजिटलाइजेशन करता है तो चुनाव आयोग के ध्यान में यह बात आती क्यों नहीं है कि भाई सेम 3000 वोट धुलिया में करेंगे, सेम 3000 वोट मालेगांव में करेंगे। और ये जो मानसिकता है, जो मंशा है कि अगर धुलिया की सीट गिराना तो वहां मतदान करेंगे, मालेगांव की सीट गिराना तो वहां मतदान करेंगे, तो ऐसा महाराष्ट्र में मुझे लगता है 30-40 विधानसभाओं में ये हुआ है। हमने आज चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट की है, दर्ज कराई है और जो अधिकारी इस प्रकार से काम करते हैं उस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने की है। नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और खासकर एक समुदाय के होटे है, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुस्लिम परिवारों के खासकर 3000 वोट धुलिया में, वही वोट मालेगांव में, ये जो दो बार एंट्री की गई और सेम वोटर्स आईडी और सेम नाम, सेम फोटोज, सेम ईपिक्स नंबर, ये कैसा हो सकता है? ये तो जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र है। और महाराष्ट्र में जहां जहां षड्यंत्र हुआ है और ये भी षड्यंत्र हुआ है कि 2019 में एक बूथ पर जो हमारे वोटर्स थे तो डिलीट करके थप्पे मार दिए, बहुत सी जगह पे डिलीटेशन कर दिया। अभी हमने आयोग से कहा है कि आप सारे जगह जाइए, सारे घर जाइए और जो डिलीटेशन का ठप्पा मारा हुआ है उसको दोबारा एंट्री करिए, ये भी हमने आज कहा है। देखो, तुमने सत्ता में रह के जनता के लिए क्या कर रहे हैं इसका हिसाब पहले जनता को देना चाहिए। हारने के बाद इस तरह की बातें निकालकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक, तुम सत्ता चलाने में असफल हो चुके हो। अगर कोई अधिकारी इस तरह का करता है तो कंट्रोल तो इनका ही है ना, बाद में चुनाव आयोग के पास जाता है। इनको पता ही नहीं है सत्ता कैसी चलाना। इनको अदानी को महाराष्ट्र भेज के देना और गुजरात में महाराष्ट्र को शिफ्ट करना और वहां का ड्रग मुंद्रा पोर्ट से महाराष्ट्र में लाना, इतना ही बीजेपी को पता है। इसलिए उनके जो भी कोई नेता होगा उनके बारे में मैंने कुछ बोलना, वक्तव्य करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिनको सत्ता ही चलाने नहीं आता है ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करें, जिन्हें महाराष्ट्र को तबाह कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को और उसके स्वाभिमान को बेचने का पाप गुजरात के लिए किया है। ऐसे लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जाएगी।